दोस्तों शहद का इस्तेमाल हम अपने दिन भर की कई खाने पीने की चीज़ों में करते हैं। यह हमारी सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक होता है और इसका कई तरह से उपयोग भी किया जाता है। इसी तरह से शहद हमारे बालों के लिए भी कई तरह से फायदेमंद है। बालों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए शहद का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं नुस्खों के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वास्थ्य एवं वास्तु टिप्स चैनल पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला नुस्खा है दोस्तों शहद और जैतून का तेल। शहद और जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल करने से बालों को काफ़ी फायदा पहुंचता है। बालों को मुलायम बनाने में यह काफ़ी मदद करता है। इसके इस्तेमाल करने के लिए 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल गर्म करके 2 बड़े चम्मच शहद के साथ मिला लें। इसके बाद तैयार हुए मिश्रण का एक मास्क बनाकर उसे अपने पूरे बालों पर 10 मिनट के लिए लगा लें और आखिर में बालों को शैम्पू से धो लें। दूसरा तरीका है दोस्तों दूध और शहद। गिरते हुए बालों को रोकने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए शहद को दूध के साथ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इससे शहद और दूध आपके डैमेज हुए बालों को हाइड्रेशन देता है, जिससे कि बालों की मजबूती बढ़ती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए दूध में 2 से 3 चम्मच शहद मिला लें। इसके बाद तैयार हुए मिश्रण को अपने बालों में लगाएं और उसे 20 मिनट तक लगाकर रखें। इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल घने और सिल्की बने रहेंगे। वहीं ध्यान दें कि आप शहद को दूध में सही से मिला लें। तीसरा उपाय है दोस्तों अंडा और शहद। अंडे का शहद के साथ इस्तेमाल करने से बालों की मजबूती और चमक बढ़ती है। इसके लिए 2 अंडे लें और उनमें 2 बड़े चम्मच शहद मिला लें। तैयार किए गए मिश्रण को ध्यान से बालों और स्कैल्प पर लगाएं। मिश्रण को कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर शैम्पू की मदद से अच्छी तरह से धो लें। तो दोस्तों इन उपायों का उपयोग करके आप भी पा सकते हैं सुंदर और मजबूत बाल। दोस्तों इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।